हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चंदा बिष्ट ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ मैं अपना नया ब्लॉग लेकर। तो ये है हमारे रिलेशन में कोई ख़ास की शादी जहाँ पर मैं आई हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। यह हल्दी की रस्म के बाद है, जब हल्दी लग जाती है दूल्हे को, उसके बाद सब स्विमिंग पूल पे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए आगे भी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये धीरे धीरे एक दूसरे को पानी में डाल रहे हैं। लीजिए, पहुंच गए हम बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पर, और यहाँ पर मेन गेट पे हम सब डांस कर रहे हैं। तो जैसे एंट्री से पहले होता है सबकी शादियों में, तो यहाँ भी हम सब डांस कर रहे हैं। जेंट्स अलग डांस कर रहे हैं अपना ग्रुप बनाकर, और लेडीज़ें अलग डांस कर रही हैं। और अम्मा जी तो इतनी मस्त हो गई हैं डांस करने में कि पूछिए मत। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब अंदर का व्यू। पहले हम एंट्री करेंगे, फिर मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो कर ली है हमने वेंकट हॉल के अंदर एंट्री। तो सामने स्टेज लगे, कितने सुंदर लग रहा है और कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पर खाने का इंतज़ाम कर रखा है फास्ट फूड का, और ये सामने स्टेज लगी है दूल्हा दुल्हन के लिए, और यहाँ की तरफ कर रखा है खाने का इंतज़ाम। और देखिए कितना सुंदर व्यू है, लाइटिंग देखिए कितना अच्छा है, और बैठने की भी सीटें बहुत ज़्यादा है, सीटिंग की भी इंतज़ाम काफ़ी है। तो यहाँ तो हो गई है बारात की एंट्री। तो सामने लगे हैं डीजे, तो हम सारे फैमिली मेम्बर चले गए डीजे में डांस करने। तो यहाँ पर मेरी नंद भी है, मेरी जेठानी भी है, और मेरे जेठ जी भी हैं। हम सब यहाँ पर डांस कर रहे हैं, इतने मस्त हो गए कि डांस करने में कि टाइम का पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर हो गए थे पहाड़ी गाने स्टार्ट। तो पहाड़ी गाने जैसे ही लगे तो लोग आने लगे डांस करने, मगर मुझे वेंकट की जो अरेंजमेंट है काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पर सब के सब लगे हैं डांस करने में मस्ती से। और ये रही स्टेज दूल्हा दुल्हन के लिए जो रखी गई है, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, सब धीरे धीरे आके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और हम यहाँ डांस करने में मस्त हो रखे हैं। तो यहाँ मेरी नंदे जेठ जी जेठानी जी मस्त हो रखे डांस करने में। मेरी जेठानी तो खूब डांस कर रही हैं, और जेठ जी भी खूब डांस कर रहे हैं, मस्त हो रखे हैं। हम तो डांस में मस्त हो रखे थे, तो हस्बैंड जी ने कहा मैं ही वीडियो बनाऊंगा, आप डांस कर लो। तो उन्होंने ही वीडियो बनाई है। तो देखिए मैं तो एंजॉय काफ़ी करा मैंने शादी में। तो हम लोग लेडी से इधर कर रही थी डांस, और जेंट्स पीछे ग्रुप बना के कर रहे थे डांस, और पहाड़ी गाने लगे और हम डांस ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आगे बने रहना मेरी वीडियो में, आगे दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या हुआ। तो चलिए, डांस तो बहुत हो चुका है, तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ वेंकट हॉल के अंदर का। तो कैसा है, यहाँ पर लगी है दो बड़ी स्क्रीन जिनमें गानों की स्क्रीनें आ रही थी, वो बड़ी दो स्क्रीनें लगी हैं लेफ्ट और राइट में। यहाँ पर सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं दूल्हा दुल्हन के साथ। और ये रहा अंदर का अरेंजमेंट। तो यहाँ देखिए पब्लिक कितनी है, बैठी भी आराम से, खा भी रही, पी भी रही। और ये है लाइटिंग, झूमर लगे हैं इतने बड़े बड़े, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो ये अरेंजमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ देखिए सारे वेटर भी काफ़ी थे यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा। और तो यहाँ की सबसे अच्छी खास बात तो मुझे ये लगी, मैं दो बड़े यूट्यूबरों से मिली। वैसे तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मगर मैं जिनसे मिली वो भी बड़े यूट्यूबर हैं, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी उनसे मिलूंगी। और मैं आपको मिलवाती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो पहले हैं आरजे अभिनव और दूसरे हैं आशकिन। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको उन दोनों से। पहले मिलवाती हूँ आरजे अभिनव से। मैं खाना खा रहा था और इसलिए बैठा हुआ हूँ, मैं वहीं है, बड़ा अच्छा लगा मिलके। मैं कुछ मीठे मिलेंगे मैम, आप खाइए। कैसी लगी तुम्हारी यहाँ की शादी? अच्छा लगा, पीओपी उतर रहा था, मैंने चिपका दिया। हेलो गाइस, आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें,
चंदा बिस्ट ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। सब्सक्राइब टू चंदा बिस्ट ब्लॉग। तो मुझे तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे इनकी हर एक वीडियो बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी होती है इनकी वीडियो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगती है इनकी वीडियो। और मैं करती हूँ ब्लॉग का यहीं पे एंड, क्योंकि रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो गया था, हमने घर भी जाना था, तो मैं ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक प्यार दें। ओके, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।